नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, नवरात्रि बीत चुका है और माता रानी का अंतिम विदाई आज है और आज है दशमी। तो माता रानी के बहुत सारे लोग आए हैं अंतिम विदाई करने के लिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो कि यहाँ पे विसर्जित होती हैं। और अभी हम इस समय हैं ज्ञानपुर नहर के पास, तो सब कुछ सीन दिखाएंगे और माता रानी का कैसे अंतिम विदाई हो रहा है मैं सब कुछ इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए प्रशासन भी खड़ी है ये, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का सीन पूरा। सर, हेलो सर, सर थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा सा हल्का सा। और ये नहर देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं सड़क, ये सीधा गोपीगंज निकल जाएगा और बाकी अगर इस तरफ रोड देखेंगे तो ये ज्ञानपुर होते हुए सीधा भदोही की तरफ जाएगा। तो इधर ज्ञानपुर से जितने भी लोग हैं या इधर गोपीगंज साइड के जितने भी लोग हैं, सब लोग यहीं पे विसर्जन करते हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि गंगा जी में विसर्जन करना मना है बहुत पहले से ही। तो सब लोग इसी नदी में, यहाँ पर देख सकते हैं नहरा है तो इसी में विसर्जन होता है। तो इधर देखिए सभी भक्त इस बार में आ चुके हैं माता रानी का विसर्जन में। और यहाँ पे जो प्रशासन है वो देख रेख में यहाँ पे पहुँची हुई है पहले से ही है। और भी आगे चलते हैं, आगे का सीन आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए आज माता रानी का अंतिम विदाई है। देख रहे हैं हो गया और एक एक करके सभी मूर्तियाँ को यहाँ पे सभी मूर्तियाँ विसर्जन के लिए फेंका जा रहा है। पूरे धूमधाम के साथ मूर्तियाँ विसर्जित करते हैं जो भी भक्त रहते हैं। नौ दिन नवरात्रि ख़त्म होने के बाद माता रानी का दसवें दिन पूरी मूर्तियाँ, जो भी जितनी भी मूर्तियाँ रहती हैं पंडाल में, सब एक नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। और देखिए एक अभी और आ गए हैं लेकर के। ये देखिए विसर्जन के लिए महिलाएं भी साथ में हैं यहाँ पे। पूरा धूमधाम से जो पूजा पाठ होता है, पूजा पाठ करने के बाद जो मूर्तियां हैं उनको विसर्जित करते हैं लोग।
तो काफी वजन मूर्ति है ना ये। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा क्राउड यहाँ पे है और यहाँ पे जो प्रशासन है वो देख रेख में लगी हुई है। और ये रोड जो देख रहे हैं वो काफ़ी ट्रैफिक है क्योंकि ज्ञानपुर और भदोही ये जोड़ता है ये रोड। तो यहाँ पे जितने भी पंडाल हैं सब देखिए आके सब लोग यहाँ पे विसर्जित करते हैं मूर्तियाँ जो हैं। और देखिए लाइन लगा हुआ है पूरा, यहाँ से देखेंगे पूरा हर जगह लाइन लगा हुआ है। तरह से देखा जाए तो इतना वजन काफ़ी ज़्यादा बड़ा ये मूर्ति था। और देखिए ऊपर से गिराने में टूट भी जा रहे हैं जो मूर्तियां हैं। देखिए इसमें कितने लोग लगे हुए हैं क्योंकि हमें लगता है सबसे अभी तक मैंने जितना भी अभी मूर्तियां देखा है सबसे बड़ा मूर्ति यही है, देख रहे हैं। जितने भी मूर्तियां सब विसर्जित हो चुकी हैं और मैंने जितना हो सका कोशिश किया सभी मूर्तियां विसर्जित करते हुए आप लोगों को दिखाया। और आज दशमी है और आज का ये वीडियो मैं यहीं पे रखता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय माता।